गुरु ने ली शिष्य की परीक्षा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक ज्ञानी साधु रहते थे। उनके कई शिष्य थे। उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने शिष्यों को बुलाकर उन्हें एक एक टोकरी दिया और कहा कि मुझे प्यास लगी है, तुम सब इसमें मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ। उसके बाद सभी शिष्य सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि टोकरी में काफ़ी छेद थे। फिर भी वो सभी नदी किनारे जाते हैं और जैसे ही उस टोकरी में पानी भरते हैं, पानी नीचे से निकल जाता है। वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आश्रम की तरफ वापस आ जाते हैं। लेकिन उनमें से एक शिष्य ने उस टोकरी में पानी भरकर गुरु की प्यास बुझा देता है। अगले दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और अपना परीक्षा परिणाम सुनाया। गुरु ने कहा कि तुम सभी में से केवल एक शिष्य ही पास हुआ है। सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी गुरु ने कहा, मैंने आपकी परीक्षा उस टोकरी में पानी भरकर लाने के लिए ही ली थी, लेकिन एक को छोड़कर सभी खाली हाथ आए। तब उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने ऐसा क्या किया कि टोकरी में पानी लाने में सफल हुए। तब शिष्य बोला, जब ये सभी वापस लौट रहे थे तब मैंने सोचा कि यदि मैं पानी लेकर नहीं गया तो गुरुदेव प्यासे ही रह जाएंगे। उन्होंने कुछ सोच समझकर ही हमें भेजा है। उसके बाद उस टोकरी को कुछ देर पानी के अंदर डालकर मैं बैठा रहा, फिर देखा कि उसमें पानी रुकने लगा। कुछ समय बैठने के बाद मैंने देखा कि टोकरी पानी से भर गई और मैंने टोकरी को पानी से बाहर निकाला क्योंकि उसमें से पानी निकलना बंद हो गया, क्योंकि उसके जो छेद थे वो कंकर से बंद हो चुके थे जिससे पानी टोकरी में ठहर रहा था और मैं पानी लेकर आपकी प्यास बुझा सका। तब गुरुदेव ने कहा, जिसका लक्ष्य पक्का हो वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। शिक्षा, जब भी कोई कार्य करें तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। दूसरा, आपके पास धैर्य होना चाहिए।